वेलोसिटी ऑफ ए वेव किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है वेलोसिटी ऑफ ए वेव मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। वेव के लिए याद रखिए, वेव को स्टार्ट कौन करता है? उसका सोर्स। वेव आगे कैसे बढ़ती है? मीडियम की प्रॉपर्टीज के कारण आगे बढ़ती है। तो इसमें स्टार्ट करना सोर्स का काम है, इसलिए वेव की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पे। वेव का आगे बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। इसलिए वेव की वेलोसिटी को कौन इफेक्ट करेगा? मीडियम। तो पहली चीज नोट कर लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर वेव की वेलोसिटी डिपेंड करेगी? तो देखिए, एक रोप यहां से हमने बांधी हुई है और रोप को हम ऐसे हिलाते हैं। अगर वो जल्दी वहां जाना पहुंचाना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि उसके ऑसिलेशन जल्दी जल्दी। अगर उसके ऑसिलेशन जल्दी होंगे तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही हम उसको ऐसे प्लग करेंगे, उसको ऐसा छेड़ेंगे, तुरंत वो वापस आ जाएगा। और अगर हमने ऐसे छेड़ा और वो धीरे से वापस आई तो उसके ऑसिलेशन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और अगर ऐसा जल्दी वापस आएगी तो ऑसिलेशन उसका जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी कंप्लीट होगा वे जल्दी आगे बढ़ेगी। तो इलास्टिसिटी यानी रिस्टोरिंग फोर्स उसका हाई होना चाहिए। वैसे ही ये किस पर डिपेंड करती है? मास पे। तो मास और वेलोसिटी ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड का फॉर्मूला पहले लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी, ये आपने ओमेगा और के टर्म्स में किया हुआ है। दिस इज ओमेगा अपॉन के। व्हाट इज ओमेगा? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। एंड व्हाट इज के? 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज एंगुलर वेव नंबर। ओके, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा जितना छोटा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा का छोटा होगा जब लैम्डा कैसा होगा? बड़ा होगा। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये ओमेगा अपॉन के। तो अब वेलोसिटी किसके कारण बदलती है? तो आपने अभी नोट किया, वेलोसिटी मीडियम के कारण बदलती है। अगर एक वेव एक मीडियम से चलती हुई दूसरी मीडियम में पहुंच गई तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी? आंसर है वेलोसिटी। इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक ही मीडियम में दो वेव चल रही हैं। ये एक वेव का ग्राफ है और ये दूसरी वेव का ग्राफ है। इन दोनों में कौन कौन सी चीज डिफरेंट है? वेवलेंथ इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी। तो क्या चीज कुछ सेम है? आंसर है यस। लिखा नहीं है पर आपको याद रखना है दोनों का मीडियम कैसा है, इसलिए दोनों की क्या चीज सेम है? वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की। अगर इन दोनों का मीडियम एक है तो दोनों की वेलोसिटी भी एक होगी, सेम होगी। हमको दिख रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, पर चूंकि मीडियम एक है इसलिए दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं कि अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो नोट करिए, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
और ये आपको जरूर याद रखना है, इसमें हमको बोलने का बहुत लालच होता है कि 50 फ्रीक्वेंसी वाली वेव से 100 फ्रीक्वेंसी वाली वेव कुछ तो ज्यादा फास्ट चलेगी। आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में वेव जा रही है। अगर 100 फ्रीक्वेंसी वाली वेव पानी में जा रही है और 50 वाली एयर में जा रही है तो 50 वाली की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि एयर में ज्यादा दूर तक वो जा सकती है। तो एनीवे ये अभी हम उस पर आएंगे कि डेंसिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है। एनीवे मीडियम से इफेक्ट होगा एंड वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से, इलास्टिसिटी और मास। मास होता है डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यही मास होता है, या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अच्छा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनेट होती है इलास्टिसिटी के, ईटा प्रोपोर्शनेट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है डेंसिटी। ये दो प्रॉपर्टीज न्यूटन ने ऑब्जर्व की। ईटा इज व्हाट, रिजिडिटी कांस्टेंट, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मीडियम। यहां पर एक मीडियम है, इस मीडियम को हमने ऐसा मोड़ा और मोड़ कर छोड़ दिया और ये वापस आ गया, किस प्रॉपर्टी के कारण, रिजिडिटी के कारण। जितना जल्दी वापस आएगा उतना जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, ये आपको समझ में आता है, उतनी जल्दी जल्दी वेव बनाएगा, एक सेकंड में उतनी ज्यादा वेव बना लेगा और वो वेव उतनी ज्यादा आगे चली जाएगी। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, रिजिडिटी पे। दूसरा ये है डेंसिटी, डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, इसके अनुसार कम, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे सोच सकते हैं, हमने एक को पार्टिकल को हिलाना है और हिलाने से वेव बनेगी और उसने आगे जाना। अगर वो पार्टिकल बहुत भारी है और दूसरा पार्टिकल बहुत हल्का है तो किसको हिलाना आसान है, हल्के पार्टिकल को हिलाना आसान है, और भारी पार्टिकल को हिलाएंगे तो क्या होगा, एक तो मुश्किल होगा, दूसरा असली बात पर मैं आता हूं, जब आप भारी पार्टिकल को ऐसे हिलाकर छोड़ेंगे और ये ऐसे वापस जाएगा तो ये भारी पार्टिकल है, इसके पास इनर्शिया कम होगा कि ज्यादा, नो भारी पार्टिकल मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऐसा बीच में रुकेगा नहीं, ऐसा ऑसिलेट करता है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ऐसा ऊपर जाते जाएगा। कौन ज्यादा ऊपर जाएगा, हल्का पार्टिकल की भारी पार्टिकल, यस। इसको सेंटर की तरफ वापस कौन खींचना चाहता है, रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन ये मीन पोजीशन से ऐसा ऊपर चला गया। अब दो सिचुएशन सोचिए, हल्का पार्टिकल और भारी पार्टिकल, रिस्टोरिंग फोर्स तो एक ही जैसा लगा हुआ है, मान लो 1 न्यूटन जो कि सेंटर की तरफ खींचता है, भारी पार्टिकल ऐसा गया और वापस आया, हल्का पार्टिकल ऐसा गया वापस आया, कौन जल्दी वापस आएगा, हल्का पार्टिकल जल्दी और भारी पार्टिकल देर से, तो किसकी वेव जल्दी बन जाएगी, हल्के पार्टिकल की वेव जल्दी बनेगी। तो एक सेकंड में कौन ज्यादा वेव बनाएगा, हल्का पार्टिकल की भारी, तो आगे कौन बढ़ जाएगा, हल्का पार्टिकल। तो जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये मास कहां आ गया, नीचे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात समझ में आए, ये क्या चीज है, रिस्टोरिंग फोर्स।
तो इसको हमने हटाया, रिस्टोरिंग फोर्स 1 न्यूटन था, 1 सेकंड में ये वापस आ गया। इसको हमने हटाया, रिस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन था, 1 सेकंड में नहीं लगा, 0.1 सेकंड में ये वापस आ गया। तो जल्दी वेग किसमें बनी, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा। तो जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके न्यूटन ने दोनों की डायमेंशन मैच की, डायमेंशन करके उन्होंने फॉर्मूला बनाया दैट वी इज इक्वल टू रूट ईटा अपॉन डेंसिटी। ये आप नोट कर लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ईटा अपॉन डेंसिटी, वेयर ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड डेंसिटी इज डेंसिटी। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर्मूला फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर जब साउंड वेव चलेगी, मटेरियल वेव चलेगी, तो उसकी वेलोसिटी इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये मटेरियल वेव एक स्ट्रिंग में चल रही है, ये सॉलिड था, अब हमने लिया एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हमने यहां से बांध दिया, यहां से बांधने के बाद यहां से एक तार से लटका दिया, और इस तार पर यहां हमने कुछ वेट दे दिया, इस वेट के कारण इसमें एक टेंशन पैदा हो जाता है, वेट नीचे खींचेगा और इसमें टेंशन पैदा होगा, वेट बढ़ाते जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। जब ये टेंशन बढ़ता जाएगा, जब हम इसको ऐसा प्लग करेंगे तो वापस आएगा। इसको हमने मेन पोजीशन से ऐसे हटा दिया और छोड़ा, ये वापस गया। अगर जल्दी जल्दी वापस जाएगा तो वेव की स्पीड कैसी होगी, फास्ट, और अगर धीरे धीरे जाएगा तो वेव की स्पीड कम। अब आप टेंशन से रिलेशन सोचिए, अगर टेंशन ज्यादा है तो जल्दी वापस जाएगा कि कम है तो जल्दी वापस जाएगा, टेंशन ज्यादा है तो जल्दी वापस जाएगा। इसलिए ये क्या हुआ, वी इज इक्वल टू रूट टी। टी कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में टी ज्यादा। अच्छा, ये वाली तार पतली सी तार है और दूसरे केस में मोटी तार है, कब जल्दी वापस आएगी, यस पतली होगी तो जल्दी वापस आएगी और मोटी है तो बहुत दूर तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, समझ आ रहा है। भारी है तो ज्यादा इनर्शिया के कारण देर तक ऊपर जाती रहेगी, फिर देर तक नीचे जाती रहेगी। तो मास के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन, मास कम है इसलिए इसको कर दिया हमने मास। इसकी यूनिट्स को हमने मैच किया, तो ये मास कितनी लंबी तार का मास लेना है, तो आंसर है ये मास यूनिट लेंथ का लेना है, वेयर एम इज टी इज टेंशन ऑन स्ट्रिंग, एम इज मास पर यूनिट लेंथ। ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, एम एल माइनस वन। टेंशन की डायमेंशन आप क्या लेते हैं, फोर्स, टेंशन इज ए फोर्स, और ये क्या लेते हैं, एम एल डी माइनस टू, ठीक है। अब अगर आप मिलाएंगे तो डायमेंशंस मैच हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी माइनस वन आ जाएगी। सो एम इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो मास पर यूनिट लेंथ को आप डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, देन दिस विल बी रूट टी, दिस मास पर यूनिट लेंथ, this will be pi r square, that is area of cross section multiplied by density। निकाल के देखिएगा वही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, pi r square m,
पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम, उसमें से पर यूनिट लेंथ करना है, एल कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर इनटू डेंसिटी. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर द स्ट्रिंग. ओके, अब इसके बाद ये अभी तक हमने लिया सॉलिड और स्ट्रिंग. तो स्पीड ऑफ साउंड हर उस मीडियम में होती है जिसमें वाइब्रेशन हो सकते हैं, जिसके पास इलास्टिसिटी होती है, जिसके पास मास पर यूनिट लेंथ होता है. जैसे ये सॉलिड्स में भी हो सकती है, लिक्विड्स में भी वेव ट्रेवल कर सकती है और गैसेस में भी कर सकती है. उसमें इनकी वेलोसिटी कितनी होगी इसके लिए थोड़े से डाटा नोट कर लीजिए. तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ वेव्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में एल्यूमिनियम में वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 6420 यूनिट्स. यूनिट्स मीन्स मीटर पर सेकेंड. ओके, स्टील में स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड. ब्रास 4700 ग्रेनाइट स्टोन दिस इज अगेन वेरी हाई 6000 सो वेलोसिटी इन सॉलिड्स इज वेरी हाई. हाँ, एक चीज इसका है रबर. इन रबर वेलोसिटी इज 0054 54 मीटर पर सेकेंड. ये सॉलिड्स में हो गया. लिक्विड्स इन वॉटर इट इज 1531 sea water, but if it is distilled water, that is pure water, it is slightly less, and this is 1498 meter per second. Okay, methanol, spirit, it is still less, and it is 1103. Gases. In gases, the most common gas is air, that is mixture of oxygen and nitrogen, and in the air it is 346 meter per second. In hydrogen, it is 1284. And in helium, it is 965 because they are very lightweight. Density बहुत कम होती है, इसलिए उनमें velocity ज़्यादा होती है. और ये जो है air, air is what? Nitrogen plus oxygen. तो इसमें हम 346 meter per second. ये हमको वेलोसिटी मिलती है. इनकी वेलोसिटी को अगर आप देखिए और कंपेयर करिए तो साउंड या वेव्स किस में ज्यादा फास्ट चलती हैं, वेदर इट इज इन सॉलिड्स और इन गैसेस. सॉलिड्स, सॉलिड्स वेलोसिटी इज मोर. व्हाई वेलोसिटी शुड बी मोर इन सॉलिड्स? दोनों प्रॉपर्टीज को देखते हैं. दिस इज इलास्टिसिटी एंड दिस इज डेंसिटी. तो सॉलिड्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है, दोनों ज्यादा होती है. तो फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा होता है.
तो आंसर क्या निकलता है, इलास्टिसिटी इज मच मच हायर देन डेंसिटी। तो अगर गैस से सॉलिड की डेंसिटी 10 टू द पावर 4 टाइम्स बढ़ती है तो इलास्टिसिटी 10 टू द पावर 8 टाइम्स बढ़ जाती है। तो कौन ज्यादा बढ़ा? इलास्टिसिटी, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आया? दिस इज द रीजन व्हाई वेलोसिटी इन सॉलिड्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू वेलोसिटी इन गैसेस। ओके, तो आपको याद रखना है वेलोसिटी इन सॉलिड्स इज नियरली 5,000-6,000 मीटर पर सेकेंड, और लिक्विड में वेलोसिटी उससे कम होती है। पानी में वाटर याद रखिए 1,500, हर एक का एक एक चीज याद रखिए, स्टील 6,000, वाटर 1,500, एयर 346। ये तीन डाटा कम से कम आपको याद रखना चाहिए। 346 थोड़ा हायर टेम्परेचर पे, नॉर्मली हम लोग 0 डिग्री पे 332 लेते हैं। एनीवे, सो दिस इज अबाउट द स्पीड। अब हम लेते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। न्यूटन ने किस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था? न्यूटन की जो क्रेडिट है वो इस बात पर है कि वेलोसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला उन्होंने बनाया। वेलोसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास और डेंसिटी। ये जो बेसिक खोज थी ये न्यूटन ने सोची, उसके बाद उन्होंने डायमेंशन मिला के जो फॉर्मूला हमको दिया वो न्यूटन का बेसिक फॉर्मूला था। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट एंड रूट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये दो प्रॉपर्टी से उन्होंने फॉर्मूला बनाना चाहा। तो शुरू में उन्होंने फॉर्मूला कैसे बनाया, दिस इज गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। व्हाट इज बी? बी स्टैंड्स फॉर बल्क मॉडुलस एंड रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। अब इन्होंने बल्क मॉडुलस निकाला कि बल्क मॉडुलस गैसेस का कितना होता है। बल्क मॉडुलस आप निकाल चुके हैं, बल्क मॉडुलस का एक फॉर्मूला हमने बनाया था, फिर से उसको एक बार हम लोग बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन, यस, अगर हम बल्क ले रहे हैं, बल्क ले रहे हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन किसके बराबर होगा? डेल्टा बी अपॉन बी। स्ट्रेस किसके बराबर होगा? जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगाते हैं, जितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, दैट इज चेंज इन फोर्स। चेंज इन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये क्या हो गया? स्ट्रेस, सॉरी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये तो हो गया फोर्स, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय एरिया, ये कैंसिल। तो स्ट्रेस कितना बचा? डेल्टा पी। ओके, तो स्ट्रेस पी के बराबर नहीं होता, स्ट्रेस डेल्टा पी के बराबर होता है, क्योंकि यहां पर अगर मैं कहूंगा कि मुझे इसको दबाना है तो क्या इसके ऊपर प्रेशर है कि नहीं? ऑलरेडी इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और मैंने ऐसे इस पर 2 kg फोर्स लगाया, तो ये 2 kg इस पर प्रेशर बनाता है कि एक्सेस प्रेशर बनाता है? एक्सेस प्रेशर। तो इसीलिए जब भी हम फोर्स काउंट करेंगे या स्ट्रेस काउंट करेंगे तो स्ट्रेस में आप पी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? डेल्टा पी लेंगे, ये डेल्टा पी। तो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, ये ए कैंसिल हो गया, तो दिस इज स्ट्रेस, तो ये आ गया फॉर्मूला। दिस इज, ये भी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, और ये फॉर्मूला किसका हो गया? बल्क मॉडुलस। इसको याद रखिए, अच्छा
अब इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया, अब इसकी कैलकुलेशन, वी नो दैट P इंटू वी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ये लॉ सबको मालूम है, इसका लॉ है बॉयल्स लॉ, ओके पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करिए, अगर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो जाएगा P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो, ओके। ये क्या चीज है, dp इंटू वी, dp इंटू वी, इसको यही रहने दीजिए, v इंटू dp, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, माइनस p इंटू माइनस dv को इधर ले आइए नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, dp इंटू वी अपॉन dv, इसको माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू p। This minus indicates when there is a positive change in the pressure, there is a negative change in the volume. Pressure बढ़ाइए तो volume बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, this minus indicates that only that much is the implication. उससे ज्यादा हमको ये minus को समझने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा formula है ये किसका है, bulk modulus, so this is what, this is bulk modulus. So, bulk modulus किसके बराबर हुआ, P, what is P, pressure of the gas, ये calculation Newton ने की कि bulk modulus of the gas हमको किसके बराबर लेना है, pressure के बराबर लेना है, और इसलिए velocity का जो formula ये बनाया था, इस velocity के formula में, therefore equation 1 is velocity is equal to root pressure upon density, root pressure upon density, ये इनका फॉर्मूला आ गया। अब pressure of a gas, air के लिए हमने ले लिया, pressure of the air हमको पता होता है कितना होता है, सबको मालूम है one atmospheric pressure कितना होता है, 1.01 into 10 to the power 5, ये उसका ऐसे ही सिस्टम है, ओके ये हमने ले लिया। डेंसिटी ऑफ द एयर, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, दैट आल्सो वी नो, सो मेनी ग्राम पर क्यूबिक मीटर, दोनों की वैल्यू को रखा, दोनों की वैल्यू बुक में है, दोनों को लीजिए, दोनों को रखिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट किया उसका रूट निकाला, ऑल दिस इज पॉसिबल मैथमेटिकली, न्यूटन ने भी यही किया, और ये जो उन्होंने निकाला, दिस कम्स टू 280 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेलोसिटी निकली 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, जैसे यहां से एक साउंड क्रिएट किया, एक बड़ी बिल्डिंग से वो साउंड इको होके रिटर्न होके वापस आया, उस साउंड का टाइम हमने नोट कर लिया, वो टाइम नोट करके हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गया, वो जो वेलोसिटी निकली दैट कम्स टू 332, और फॉर्मूला से क्या निकला 280, एंड देयर इज ए लार्ज एरर, ये एरर है करीब करीब 50 यानी ऑलमोस्ट 20%, 20% एरर इज नॉट अलाउड, 1% 2% एरर हो तो हमको समझ में आ जाता है इट इज विद इन एरर लिमिट, कोई पर्सनल एरर हो गई होगी, प्रोसीजरल एरर हो गई होगी, बट 20% एरर हमको ये बताती है दैट देयर इज सम बेसिक मिस्टेक इन अवर कैलकुलेशन और इन अवर फॉर्मूला। तो न्यूटन को भी ये समझ में आया, या दूसरे साइंटिस्ट जो इसको पढ़े उनको ये समझ में आया, देयर हैज टू बी सम मिस्टेक इन दिस। लेकिन सबने ये माना कि न्यूटन का जो फंडामेंटल फॉर्मूला था इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी दैट इज करेक्ट, तो गलती कहां हुई, तो इस गलती को बाद में उन्हीं के एक स्टूडेंट थे लाप्लास, उन्होंने निकाला
कि ये गलती कहां हो सकती थी। तो उनका ये कहना था कि न्यूटन से जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि जब उन्होंने इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस में कन्वर्ट किया देन ए मिस्टेक हैज टेकन प्लेस। उन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज दिस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो फॉर्मूला है गैसेस के लिए, इसमें दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं और ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, एक आइसोथर्मल चेंजेस के लिए और एक एडियाबेटिक चेंजेस के लिए। आइसोथर्मल चेंजेस के लिए फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट और एडियाबेटिक चेंजेस के लिए है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। गामा क्या है? गामा इज ए कॉन्स्टेंट विच इज Cp अपॉन Cv। ये एडियाबेटिक चेंजेस के लिए है और ये आइसोथर्मल चेंजेस के लिए है। तो न्यूटन ने आइसोथर्मल लगाया, क्यों लगाया और अगर गलत लगाया तो क्यों नहीं लगाना चाहिए था? चेंजेस, जब साउंड वेव यहां से दूसरी जगह जाती है तो चेंजेस किसके होते हैं? आंसर है प्रेशर के चेंजेस होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं। किस मीडियम में बनते हैं? एयर में बनते हैं और एयर एक खुला मीडियम है। जैसे ही कंप्रेशन होगा टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ तो एयर है, वो टेम्परेचर कहां चला जाएगा? एयर में चला जाएगा। और ये टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो एयर में चला गया तो ये वाली गैस जो कंप्रेस हुई है उसका टेम्परेचर फिर से वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? आइसोथर्मल की एडियाबेटिक, आइसोथर्मल क्योंकि टेम्परेचर फिर वापस आ गया। रेयरफैक्शन हुआ, गैस ठंडी हुई, गैस ठंडी हुई तो उसने हवा से हीट ले ली, हीट लेके फिर से अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये चेंजेस हो रहे हैं तो इसको हम क्या मानेंगे? आइसोथर्मल चेंजेस। और आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही न्यूटन ने लिया। तो लाप्लास का ये कहना था कि नहीं, इसमें एरर है। जब हम बोलते हैं साउंड की जो वेव्स जाती हैं उसमें एक सेकेंड में 500 वाइब्रेशंस होते हैं, 400 to 500 वाइब्रेशंस होते हैं। एक सेकेंड में 500 वाइब्रेशन इतने फास्ट हो जाते हैं कि ऐसा वाइब्रेशन हुआ, हीट बनी, टेम्परेचर बढ़ा। इसके पहले कि ये टेम्परेचर निकल के हवा में जाए फिर से वहां पर क्या बन गया? रेयरफैक्शन बन गया। तो ये जो दबने से हीट इसमें आई, जो टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर को बाकी हवा में जाने का टाइम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट होता है और फास्ट वाले एक्शन चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? आइसोथर्मल की एडियाबेटिक, फास्ट एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर को बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, हीट उसी में ही रहती। तो लाप्लास ने समझाया कि गड़बड़ कहां पर हुई है? द चेंजेस इन एयर, द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन एयर आर नॉट आइसोथर्मल बट दे आर एडियाबेटिक। This is the root of mistake. अगर adiabatic होते हैं तो क्या करते हैं? So Laplace made a correction. We call it Laplace correction. Laplace correction में पहली चीज नोट कर लीजिए, Laplace said that the changes in pressure and volume, the changes in pressure and volume were taken as isothermal, were taken as isothermal by Newton. Were taken as isothermal by Newton, and the formula used was, and the formula used was PV is equal to constant. But the changes are so fast that
it should be appropriate, that it should be appropriate to take the changes as, to take the changes as adiabatic. The changes are so fast that it is appropriate to take the changes as adiabatic. In such case, अब यहां पर हम देखते हैं, in such case, P V to the power gamma is equal to K. अगर हम यहां पर P V to the power gamma is equal to constant लेते हैं और इसको differentiate करेंगे तो ये हो जाएगा P into P को कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, V to the power gamma को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट सामने आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गामा इनटू V V, ओके, प्लस इसको कांस्टेंट लेना है V to the power gamma और इसको डिफरेंशिएट करना है dP, this is equal to zero. Now V to the power gamma, in, sorry, यहां पे gamma V to the power, इससे power 1 less होगी, so this will be gamma minus 1. Okay, now इसको इस तरफ transfer किया, so this becomes minus P gamma V to the power gamma minus 1. ओके ये दोनों क्वांटिटी इस तरफ ले आइए, सो दिस विल बी v गामा अपॉन v टू द पावर गामा माइनस 1 एंड दिस इज dp, दिस इज इक्वल टू माइनस b, यहां ले आइए, दिस विल बी गामा इनटू p, गामा को यहां रखने दीजिए ऐसे. अब ये v की पावर गामा है और ये v की पावर गामा से एक कम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे v की पावर 10 और ये कितनी है 10 minus 1 9, तो v की पावर 10 divided by v की पावर 9 कितना आएगा, v, v की पावर 4 divided by v की पावर 3 v, इसलिए ये दोनों कैंसिल होके क्या बनाएंगे v, so this will be v into d, v into dp, हमने क्या निकाला था, dp into v upon delta v, यहां पर एक delta v और आएगा, delta, this delta. This is equal to gamma into P. अब ये expression फिर वही आ गया, V delta P upon dV, जो कि क्या था, bulk modulus. Bulk modulus, this is equal to gamma into P. तो पहले हमने बल्क मॉडुलस किसके बराबर निकाला था, PV is equal to K करके बल्क मॉडुलस was equal to P, पहले हमने ये निकाला था बल्क मॉडुलस was equal to P, लाप्लास का करेक्शन लगा के एडियाबेटिक करके अब B किसके बराबर आया, गामा into P, गामा is what, CP upon CV. अब साउंड एयर में जा रहा है, एयर इज मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डायटोमिक गैसेस और डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, कितनी होती है गामा की वैल्यू डायटोमिक गैसेस के लिए, दैट यू विल फाइंड दैट गामा इज इक्वल टू 1.4, ये आप निकाल चुके हैं, तो गामा की वैल्यू हम 1.4 लेंगे. अब जब हम इसकी वेलोसिटी निकालने जाएंगे यहां पर, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट
गामा पी डिवाइडेड बाय रो. दिस इज इक्वल टू रूट गामा इंटू रूट पी अपॉन रो. रूट पी अपॉन रो को हम पहले ही हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 280. उसके साथ रूट 1.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 1.2 कुछ आएगा, 1.4 का रूट. उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स टू 331 मीटर पर सेकेंड. और यही एग्जैक्टली स्पीड होती है. सो दिस इज द राइट स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, 331 मीटर पर सेकेंड. और ये अभी हमने किस फॉर्मूला से निकाला? लाप्लास करेक्शन, न्यूटन फॉर्मूला विद लाप्लास करेक्शन. तो फॉर्मूला न्यूटन का ही है और उसमें लाप्लास का करेक्शन करके एडियाबेटिक का ये फॉर्मूला हमने बनाया. सो दिस गिव्स वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी क्या चेंज हो सकती है सेम मीडियम में या मीडियम बदलने से? किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग वेलोसिटी? तो पहला फैक्टर हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम. इफेक्ट ऑफ डेंसिटी. ओके, आप बताइए डेंसिटी बढ़ने से क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कम होनी चाहिए. तो नोट कर लीजिए, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द डेंसिटी. वी इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रूट. अगर हम एक ही मीडियम रखते हैं तो बी तो सेम रहेगा, उसकी डेंसिटी हमने अलग अलग कर दी. तो जैसे जैसे डेंसिटी बदलेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी. देयरफॉर वी वन इज इक्वल टू रूट डेंसिटी वन, वी टू इज इक्वल टू रूट डेंसिटी टू. देयरफॉर वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू अपॉन. सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. Density increase, velocity decrease. ये हो गया effect of density. ये हम B भी लिख सकते हैं और इसको चाहे तो P भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम proof कर चुके हैं that B is equal to P. ओके, क्या आप निकाल सकते हैं जरा जल्दी से? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी इन ऑक्सीजन? इन दोनों का रेशियो निकालिए, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. तो ये आप क्या लेंगे? रूट डेंसिटी ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन डेंसिटी इन हाइड्रोजन. डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या इस रेशियो को आप जानते हैं? जानते हैं भाई, क्यों? 11.2 लीटर गैस दोनों लीजिए, सेम वॉल्यूम, मास कितना कितना होगा? Now there is a question, what is the ratio of velocities of sound in oxygen and in hydrogen? So we write it this way, velocity in hydrogen divided by velocity in oxygen. According to this formula, this should be density of oxygen here and density of hydrogen here. Now how do we get the density? For density, the molecular mass help us. For 11.2 liter, the same volume of every gas, their molecular mass is, the mass is molecular mass. So 11.2 liter ke liye oxygen ka mass kitna lena hai? Aap kya lena chahte hain? Molecular mass ki atomic mass. Okay, molecular mass.
So molecular mass for oxygen is 32. Molecular mass for hydrogen, this you will have to take for H2 and for H2. It is 2. And root. This is root 16 and this is 4. So velocity in hydrogen is equal to 4 times velocity in oxygen. So this is why in your previous notation you have written hydrogen ki velocity bahut zyada hoti hai, almost 4 times than velocity in oxygen. So it is a simple question, sometimes it is asked, and here the pressure is same. The pressure is same, therefore comparison is only in the density. So this you must note down, the velocity in hydrogen is 4 times the velocity in oxygen, keeping their pressure as same. Effect of pressure, ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर देता है. इस फॉर्मूले को देखिए, प्रेशर से वेलोसिटी का कैलकुलेशन है. इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी? वेलोसिटी विल आल्सो पर होती नहीं है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रेशर को आपने ऐसे डबल किया. व्हाट हैज हैपन टू डेंसिटी? डेंसिटी भी डबल हो गई. तो P को आपने क्या कर दिया? 2P. ये भी क्या हो गया? 2 रो, 2 कैंसिल. फिर से क्या बचा? P/ρ. यानी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. तो रेशियो P/ρ रिमेन ए कॉन्स्टेंट. राइट, नोट करिए. इसको आप किस तरह से मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं? That when we increase the pressure, then P/ρ remain a constant. कोई तरीका है? तो हमारे पास एक तरीका है. PV is equal to constant. ये सबको मालूम है? Okay. We know PV is equal to constant for a given gas. For a given gas. Given gas मतलब क्या constant होता है? M. Okay. For a given gas, M is equal to volume into density. So volume is equal to mass upon density. तो ये हम क्या लिख सकते हैं? Pressure into volume. Volume को क्या लिखना है? Mass upon density is equal to ये क्या है? Constant. अब गैस को ना हम ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मास क्या है उसका? कांस्टेंट. फॉर ए गिवन गैस, 1 kg ली है तो उसको 1 kg ही रखना है. सो मास इज ए कांस्टेंट. इफ मास इज ए कांस्टेंट, तो P/ρ हमने क्या प्रूफ कर दिया? कांस्टेंट. देयरफॉर P/ρ इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी इज कांस्टेंट. इसलिए वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट. सो प्रेशर बदलने से वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आता. ये नोट कर लीजिए. ओके, ये दो तरह के चेंजेस हमने पढ़े. इसके बाद अब हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन. इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे.